तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का पहला मंत्र महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। इसके ऊपर मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इसकी भूमिका में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, परमात्मा की उपासना स्तुति पूर्वक सृष्टि विद्या का विषय कहते हैं। तो मंत्र के माध्यम से सृष्टि का वर्णन किया गया है कि इस सृष्टि के अंदर जिसको परमेश्वर ने बनाया है, इस सृष्टि के अंदर अनेक प्राणियों के सिर आँखें पैर आदि अंग या अवयव हैं, और ये सृष्टि एक स्थान पर विद्यमान है। ईश्वर का भी वर्णन दूसरी दृष्टि से इसमें हो जाता है। 31वां अध्याय पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ईश्वर की दृष्टि से भी हम इस मंत्र को विचार सकते हैं। ईश्वर को समझाने के लिए दो प्रकार की शैलियां हमें वेद मंत्रों के अंदर मिलती है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। ईश्वर को हम नेत्रादि इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए जिन पदार्थों को हम नेत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ, उनके माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जाता है। यह ईश्वर का वर्णन तटस्थ लक्षण कहलाता है। और ईश्वर के कुछ अपने निजी स्वयं के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनके माध्यम से जब ईश्वर का वर्णन हमें मंत्रों के अंदर मिलेगा तो वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। जैसे ईश्वर निराकार है, चेतन है, ज्ञानी है, विद्वान है आदि आदि, तो ईश्वर के गुण कर्मों के माध्यम से ये वर्णन स्वरूप लक्षण है।
ईश्वर पृथ्वी सूर्य आदि को बनाता है, संसार का पालन करता है, जीवात्माओं के कर्मों को जानता है, उनका फल देता है। तो ये संसार के पदार्थों के माध्यम से वर्णन, ये तटस्थ लक्षण कहलाता है। मंत्र के अंदर पुरुष शब्द आया है, मंत्र का देवता भी पुरुष है, और पुरुष का अर्थ यहाँ परमेश्वर लिया जाएगा। पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं, पूरी शेते जो शरीर रूपी नगरी के अंदर रहता है। और जीवा ईश्वर को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड रूपी नगरी में निवास करता है, व्यापक है। और दूसरा, पुरुष का निर्वचन किया गया है पूर्यतेर्वा, सर्वत्र पूर्ण होने से भी ईश्वर को पुरुष कहा जाता है। तो वह परमेश्वर जिसको पुरुष कहा है कैसा है? योग दर्शन के अंदर परमेश्वर को पुरुष विशेष कहा है, कौन सा सूत्र है? क्लेश कर्म विपाक आशयी अप्रामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। और जीवात्मा सामान्य पुरुष है, वो क्लेशों से युक्त होता है, सकाम कर्मों से युक्त होता है, सकाम कर्मों के फलों को भोगता है, क्लेशों के संस्कार उसके ऊपर पड़ते हैं। ईश्वर क्लेशों से, सकाम कर्म आदि से रहित है। तो मंत्र में सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, ये तीन पद पुरुष शब्द के विशेषण के रूप में है। वो परमेश्वर कैसा है? सहस्र शीर्षा। सहस्र शब्द का अर्थ वेदों के अंदर हजार, लाख, करोड़, असंख्य आदि भी बताया जाता है। लौकिक संस्कृत के अंदर सहस्र शब्द हजार अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सहस्र शब्द का अर्थ किया है ऋषि दयानंद जी ने असंख्य। सहस्र शीर्षा, इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर हजार सिर वाला है, हजार पैर वाला है, या दूसरे शब्दों में कहें हजार शरीर वाला है, ईश्वर के हजार शरीर है। ये गायें भी ब्रह्म है, गायें भी ईश्वर है, और ईश्वर मानकर उसकी सेवा करो, ऐसे बहुत से आपको पौराणिक दूसरे मतावलंबी मिलेंगे। ये मनुष्य भी ईश्वर का रूप है, इसको ईश्वर मानकर इसकी सेवा करो, ऐसा मानते हैं। तो वो मनुष्य या गायें ईश्वर नहीं है। ऋषि दयानंद जी ने सत्यात प्रकाश में एक स्थान पर लिखा है कि ब्रह्म और जीव समान भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं, एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। एक क्यों हैं? व्याप्य व्यापक भाव होने से ब्रह्म और जीव एक है। तो एक दृष्टि से हम जीव को ब्रह्म कह सकते हैं क्योंकि जीव और ब्रह्म व्याप्य व्यापक हैं और दोनों चेतन हैं। चेतन होने से भी हम दोनों को एक कह सकते हैं, परंतु दोनों में वैधर्म्य भी है। जीव एक देशी है, अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है। ईश्वर सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्व सामर्थ्य वाला है, सर्वज्ञ है। तो भेद भी है। तो ऐसा सुनकर ये भ्रांति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि ये मनुष्य भी ब्रह्म है, गायें भी ब्रह्म है, ये ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर का रूप मानकर इनकी सेवा करो। वहाँ पर इतना ही समझना चाहिए कि ईश्वर उनके अंदर व्याप्त है, समानता है, इस रूप में उनको ईश्वर कह सकते हैं, परंतु वो भेद भी है,
उनके अंदर जीवात्माएं हैं और वो जीवात्माएं अपने कर्मों का भोग उन उन शरीरों में भोग रही हैं। सहस्र शीर्षा, शीर्षन शब्द है ये। सिर की संस्कृत क्या क्या होती है? शिरस भी होती है, मूर्धन भी होती है, और ये शीर्षन शब्द भी सिर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस पद के हम दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। असंख्य सिर जिसके अंदर विद्यमान है, एक अर्थ ये ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में यही अर्थ किया है। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? जो असंख्य सिरों का स्वामी है। तदस्य तदस्मिन अस्ति इति मतु, मतु प्रत्यय जो होता है वो षष्ठी अर्थ में भी आता है और सप्तमी अर्थ में भी आता है। तो जब षष्ठी अर्थ में करेंगे तो सहस्र असंख्य सिर जिसके है, अर्थात जो उनका स्वामी है अथवा जिसके कार्य हैं, वो ईश्वर कारण है, निमित्त कारण है, वो उनको बनाने वाला है। और दूसरा सप्तमी अर्थ में क्या हो जाएगा? असंख्य सिर जिसके अंदर है। तो ऐसा ईश्वर है जिसके अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों के, कितने मनुष्य हैं इस धरती के ऊपर? 8-9 अरब व्यक्ति होंगे। और कितने पशु पक्षी कीट पतंग, उनके सिर सब ईश्वर के अंदर विद्यमान हैं। ईश्वर उनका स्वामी है, उनको बनाने वाला है। सहस्राक्षः आँख के लिए अक्षी शब्द का प्रयोग होता है। अक्षी शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, अक्षीणी। तो जिस परमेश्वर के अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों के असंख्य आँखें विद्यमान हैं, सहस्रपाद जिस परमेश्वर के अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों के असंख्य पैर विद्यमान हैं। तो ये उपलक्षण के रूप में अर्थात उदाहरण के रूप में कुछ अवयवों का नाम ले लिया। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर के अंदर आँख सिर और पैर तो स्थित हैं और बाकी जो अवयव हैं हाथ मुंह आदि वो ईश्वर के अंदर स्थित नहीं हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। ये उपलक्षण के रूप में लिया गया, उदाहरण के रूप में लिया गया। जैसे पिताजी ने बालक को कहा कि दादी को कौए से बचाओ, तो कौए से बचाने के लिए क्या कुत्ते से नहीं बचाना, बिल्ली से नहीं बचाना, चींटियों से नहीं बचाना? तो वो एक उदाहरण के रूप में है। जो भी प्राणी उस दही का नुकसान करे, हानि पहुंचाए, उससे बचाने का तात्पर्य वो लेना चाहिए, वो उदाहरण के रूप में है। इसी प्रकार से ये जो अवयव यहाँ पर मंत्र में दिए हैं ये उदाहरण के रूप में समझने चाहिए। अर्थात जितने भी इस सृष्टि के अंदर प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, उनके शरीर, उनके शरीरों के अवयव ईश्वर के भीतर स्थित हैं। जैसे कोई रुई का टुकड़ा पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो वो पानी के अंदर होता है, उसके भीतर बाहर जल होता है। इसी प्रकार से ये सभी अवयव ईश्वर के भीतर विद्यमान हैं। फिर दूसरी बात बताई, यहाँ पर अस्ति क्रिया का अध्याय करेंगे। वाक्य क्या बनेगा? पुरुषः सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपाद वर्तते या अस्ति। ये एक बात हो गई, एक वाक्य हो गया।
अब दूसरी बात के लिए दूसरा वाक्य, स स भूमिम सर्वता स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ये एक वाक्य है, इसके अंदर दो क्रियाएं आ गई है। अंतिम क्रिया, प्रधान क्रिया कौन सी है? अत्यतिष्ठत। स अत्यतिष्ठत, वह परमेश्वर उल्लंघन करके स्थित है। सकर्मक क्रिया है तो किसका उल्लंघन करके स्थित है? भूमिम दशांगुलम, ये अत्यतिष्ठ दशांगुलम के साथ जुड़ेगा। संसार को उल्लंघन करके स्थित है। दशांगुल शब्द यहाँ पर सृष्टि के लिए लिया गया है। वैसे दशांगुल शब्द खरबूजे के लिए भी प्रयोग होता है, खरबूजे को भी दशांगुलम कहते हैं। सृष्टि को भी दशांगुल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके 10 अवयव है। 5 सूक्ष्म भूत क्या दिया है भाष्य में? 10 अवयव कौन कौन से दिए? 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये ही हैं और अवयव नहीं हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में है, और भी अवयव हैं, ये केवल उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। तो ऐसा जो जगत है जिसके 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत अवयव हैं, जिस कारण से इस जगत को दशांगुल कहा जाता है, ऐसे जगत को उल्लंघन करके भी स्थित है, अर्थात इस जगत से बाहर भी परमेश्वर स्थित है। और भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, भूमि को सब ओर से स्पृत्वा व्याप्त करके, भूमि भी ये उपलक्षण के रूप में है, संसार के उपलक्षण के रूप में है। संसार को सब ओर से व्याप्त करके संसार से बाहर भी स्थित है। ये भूमि संसार के लिए गृहित होगी। तो ऐसा परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर के विषय में ये बातें बताई गई है। किस लिए बताई गई है? कि हम परमेश्वर के महत्व को जानें, परमेश्वर के गुणों को जानें और उससे लाभ उठाएं, उसकी उपासना करें। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस पूर्ण परमात्मा में, परमात्मा को पूर्ण कहा है, पूर्ण किस लिए कहा है? पूर्ण शब्द प्री धातु से बनता है, प्री पालन पूर्ण हो, पालन करने वाला होने से परमेश्वर को पूर्ण कहेंगे। और दूसरा पूर्ण होने से, पूर्ण होने से, वेद का एक मंत्र आता है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश चनो। वो उसमें परमेश्वर में कोई न्यूनता नहीं है। न्यूनता नहीं है का मतलब क्या? कोई कमी नहीं है। कमी नहीं का मतलब ईश्वर पूर्ण है। ज्ञान से कम नहीं है, उसको किसी जितना ईश्वर का सामर्थ्य है उतने ईश्वर में गुण कर्म स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का सामर्थ्य अधिक हो और उसके गुण कर्म स्वभाव कम हो। मनुष्य को भी पूर्ण कहते हैं और अपूर्ण कहते हैं। जिसके पास सामर्थ्य तो है विद्या प्राप्त करने का, लेकिन उसने उस सामर्थ्य के अनुकूल पूरी विद्या प्राप्त नहीं की, थोड़ी प्राप्त की और प्राप्त कर सकता था, तो क्या कहा जाएगा? उसकी विद्या भी अपूर्ण है। और जब वो अपने सामर्थ्य के अनुकूल जितनी वो विद्या प्राप्त कर सकता है उसने प्राप्त कर ली, तो क्या कहेंगे? वो पूर्ण विद्या से युक्त हो गए। तो ईश्वर में जितना सामर्थ्य है गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का, जैसा धारण करने का वैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, इसलिए ईश्वर को क्या कहेंगे? पूर्ण। और पूर्ण का एक अर्थ ये भी किया जाएगा,
सब जगह भरा हुआ है, ठीक ना। जैसे ये पात्र जल से पूर्ण है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ जल ना हो। इसी प्रकार से ईश्वर भी इस सृष्टि में और सृष्टि से बाहर भी पूर्ण हो रहा है। कोई भी स्थान सृष्टि के अंदर या सृष्टि से बाहर ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो, जो ईश्वर से रिक्त हो, जो ईश्वर से खाली हो। तो जिस पूर्ण परमात्मा में इस मनुष्य, हम मनुष्य आदि के असंख्य सिर आँखें और पग आदि अवयव है, जो भूमि आदि से उपलक्षित हुए पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतों से युक्त जगत को अपनी सत्ता से पूर्ण कर जहाँ जगत नहीं वहाँ भी पूर्ण हो रहा है, उस सब जगत के बनाने वाले परिपूर्ण सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमेश्वर को छोड़ के, यहाँ पर लिखा है सब जगत को बनाने वाले। भाष्य के अंदर क्या लिखा था, ये संसार के जितने अवयव हैं वो ईश्वर के अंदर हैं, वहाँ षष्ठी वाला अर्थ नहीं लिया था, यहाँ षष्ठी वाला अर्थ ले लिया है। ईश्वर सब जगत का कर्ता है, ठीक है ना, सिर आदि का कर्ता है। एक अर्थ और कौन सा बताया था, स्वामी वाला, लेकिन यह भावार्थ में कर्ता है। जितने भी असंख्य सिर पैर आँखें आदि इस सृष्टि के अंदर विद्यमान है, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। उस सब जगत के बनाने वाले परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर को छोड़ के, नित्य शुद्ध, नित्य को यदि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नित्य शुद्ध ईश्वर हमेशा, ये नित्य सदा अर्थ में हो जाएगा, हमेशा ईश्वर शुद्ध रहता है। जीवात्मा हमेशा शुद्ध नहीं रहता, वो अशुद्ध हो जाता है, अविद्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। बाकी भौतिक रूप से तो वो सदा शुद्ध ही रहता है, उसके अंदर कोई भौतिक पदार्थ घुलता मिलता नहीं है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जीवात्मा क्या है, अशुद्ध हो जाता है। तो ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर भौतिक दृष्टि से भी शुद्ध रहता है और ज्ञान की दृष्टि से भी शुद्ध रहता है, उसके अंदर कभी अविद्या उत्पन्न नहीं होती। नित्य बुद्ध हमेशा जानता रहता है, जीवात्मा हमेशा जानता रहता नहीं, बेहोशी में नहीं जान पाएगा, परलय अवस्था में नहीं जान पाएगा, निद्रावस्था में तो जानता है, निद्रा वृत्ति को जानता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं जान रहा होता हूँ। तो ईश्वर नित्य बुद्ध है, हमेशा जानता रहता है, परलय में भी जानता है, सृष्टि के समय भी जानता है। नित्य मुक्त ईश्वर हमेशा मुक्त रहता है, सतो सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर। जीवात्मा हमेशा मुक्त नहीं रहता, वो कुछ काल के लिए मुक्त होता है, फिर दोबारा बंधन के अंदर आ जाता है। ईश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि बस जीवात्मा का मोक्ष हो गया, अब वो नहीं आएगा, वो नहीं है, क्योंकि मोक्ष भी कर्मों का फल है, जीवात्मा का सामर्थ्य सीमित है और सीमित कर्म करता है वो, सीमित कर्मों का फल सीमित ही होना चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए मुक्ति का काल अनंत मानना अन्याय है, मुक्ति का काल सीमित होता है, और मुक्ति का काल 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय ना हो। एक सृष्टि और प्रलय का समय कितना है, 8,64,00,000,000 वर्ष, 31 नील, 10,40,00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 0,
होकर फिर सृष्टि के अंदर आता है, परंतु ईश्वर हमेशा मुक्त रहता है, वो कभी शरीर के बंधनों में नहीं फंसता, भूख प्यास से कभी पीड़ित नहीं होता, रोग से कभी पीड़ित नहीं होता। ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को छोड़ के अन्य की उपासना तुम कभी ना करो। तो ये ऋषि दयानंद जी लिख रहे हैं कि ईश्वर की ही सदा उपासना करो, कभी किसी भी क्षण किसी भी काल
किसी दूसरे की उपासना ना करो, अर्थात ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण किसी दूसरे को ना मानो ना जानो। किंतु उस ईश्वर की उपासना से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करो। यहाँ पर प्राप्त करो लिखा है और संध्या के मंत्र में क्या बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्य सिद्धिर भवे। बात एक ही है, सिद्धि धर्म की सिद्धि होना या धर्म को प्राप्त करना। धर्म को प्राप्त कर लेना मतलब वो दृढ़ता से धर्म का आचरण कर रहा है, धर्म में श्रद्धा हो गई है, ये धर्म की प्राप्ति हो गई है। लेकिन धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यहाँ पर भावार्थ में दिया है ईश्वर की उपासना से धर्म को प्राप्त करो और ईश्वर की उपासना से धर्म को जानो। धर्म का ज्ञान भी बिना ईश्वर की उपासना के नहीं होगा। धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमं श्रुति। जो धर्म को जानना चाहे उसके लिए परम प्रमाण क्या है, श्रुति। और वेद को पढ़कर भी धर्म को कौन जानेगा, जो नियम पूर्वक वेद को पढ़ेगा, गुरुकुल में जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेगा, आचार्य के अनुकूल आचरण करेगा, इन सब नियमों का पालन करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, ईश्वर का ध्यान आदि करते हुए जो वेद को पढ़ेगा उसको धर्म का ज्ञान होगा। और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, अधर्म आचरण करेगा, असत्य आचरण करेगा, झूठ आदि बोलेगा, वो वेद को पढ़ने के बाद भी धर्म को नहीं जान पाएगा। और फिर धर्म को जानने के बाद फिर वो उसको दृढ़ता से लाने के लिए योग दर्शन के अंदर क्या सूत्र आता है, सातो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि। ये दृढ़ भूमि कौन होता है, अभ्यास। अभ्यास किसको कहा है, यम नियम आदि का अनुष्ठान। तो ये यम नियम आदि का अनुष्ठान दृढ़ हो जाए, अर्थात ये हमको प्राप्त हो जाए या धर्म हमको प्राप्त हो जाए, उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातें बताई, लंबे समय तक करना पड़ेगा, संकल्प पूर्वक निरंतर करना पड़ेगा, और सत्कारा सेवितो। सत्कारा सेवितो के अंदर कौन कौन सी बातें बताई, श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक और ब्रह्मचर्य पूर्वक। रुचि पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तपस्या पूर्वक करेंगे, तब वो दृढ़ होगा, तब उसकी प्राप्ति होगी। और ईश्वर की उपासना से मोक्ष को प्राप्त करो, ईश्वर की उपासना से मोक्ष को। मोक्ष किससे होता है, ज्ञानान मुक्ति, तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हुए, फिर विद्या को बढ़ाते हुए, विवेक वैराग्य को बढ़ाते हुए, समाधि को प्राप्त करके, कलेशों को दक्ष बीज करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मंत्र का संदेश यही है। मंत्र में ईश्वर के विषय में भी बताया है और सृष्टि का वर्णन भी किया गया है। तो सृष्टि का वर्णन इसलिए किया गया है कि सृष्टि के पदार्थों के गुण कर्मों को जानकर हम सृष्टि से लाभ लें। सृष्टि विद्या भी आवश्यक है संसार में जीने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और ईश्वर की विद्या भी आवश्यक है। दो प्रकार की विद्याएं होती है, पराविद्या और अपराविद्या। केवल पराविद्या से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, केवल अपराविद्या से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दोनों
प्रकार की विद्याएं आवश्यक हैं, उन दोनों प्रकार की विद्याओं का उपयोग करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। यहीं तक रखते हैं।